तो पॉइंट पर आता हूं। हमारे ये सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग कैपिटल सर्कल कॉम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एंड विजिलेंस पीडब्ल्यू ईटानगर ने क्या किया है उसको मैं फिर से बताऊंगा। एक बार अरुणाचल प्रांत में, ये अरुणाचल प्रांत में एडवर्टाइजमेंट निकला है सिविल जेई का। कब निकला है बोलने से, डेट जो 25 फरवरी 2015 में। 15 में 2 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सिविल जेई का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक अरुणाचल प्रांत में निकला है। इसके बाद आफ्टर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद में फिर उन लोग जो एडिशनल किया है पोस्ट को, 10 पोस्ट से कम है बोल के थोड़ा एडिशनल किया है। कितना किया है बोलने से, 23 पोस्ट का वो लोग एडिशनल किया, इंक्रीज किया है उन लोग। तो वर्ष में 10 पोस्ट होता है, तो 10 पोस्ट प्लस एडिशनल करने से, 23 प्लस 10 करने से 33 होता है ना। 33 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट जो हुआ है, इंटरव्यू हेल्ड किया गया है उन लोग डिपार्टमेंट ने। इसके बाद फिर इंटरव्यू होने के बाद में, एग्जाम हेल्ड होने के बाद में रिजल्ट जो निकल गया, एक रिजल्ट नोटिफिकेशन, रिजल्ट नोटिफिकेशन बोल के रिजल्ट जो निकल गया आता है ऑन द डेट 18 नवंबर 2016 में। जो एग्जाम 33 का जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट जो यहाँ में पास हो गया बोल के, जॉब मिल गया बोल के, सिविल जेई जी मिल गया बोल के, यहाँ में रिजल्ट जो आउट हो जाता है। कब आउट होता है, ऑन द डेट 18/11/2016 में। तो एक बात, यहाँ एक कंफ्यूजन बात भी है, वेयर इज इंटरव्यू हेल्ड कराया 33 का, लेकिन रिजल्ट में आ जाता है 61 पोस्ट जो जो जी मिल गया बोल के यहाँ में फिर आता है। ये भी एक पजलिंग की बात है, कैसे करके ये लाया होगा। 33 इंटरव्यू हेल्ड कराया है, इंटरव्यू देने दिया है, लेकिन यहाँ में रिजल्ट में पास हो गया, जॉब मिल गया, सिविल जेई की नौकरी मिल गया बोल के 61 जो रिजल्ट में आ जाता है पास हो गया, तो उसमें भी एक कंफ्यूजन है। तो ये 28 पोस्ट जो रिमेनिंग होता है, ये 28 पोस्ट को कब इंक्रीज नोटिफिकेशन दिया है, इंक्रीज का एडिशनल का नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश नहीं किया। जैसे कि इसका जैसे उसका जैसे जैसे कि ये बहुत सुंदर से 10 पोस्ट का अरुणाचल प्रांत में है, इसका जैसे देना चाहिए था उसमें भी, लेकिन उसमें दिया गया नहीं है। उसमें डायरेक्टली हो क्या अपॉइंट कर दिया ये 61, ये एक बात है। फिर नंबर टू जो ये है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, 33 एग्जाम जो हेल्ड हुआ ना, 33 एग्जाम जो हेल्ड हुआ, इंटरव्यू हेल्ड किया है, तो उसमें जितना भी पार्टिसिपेट जो इंटरव्यू देने के लिए आया होगा, 200 से अबव कुछ आया होगा आदमी, बहुत सारा आदमी आया होगा, तो जितना भी एग्जाम देने वाला पार्टिसिपेट जो एग्जाम देखे, जो इंटरव्यू में देखे, तो यहाँ में देखे कोई कोई चला गया, तो उसमें वेटिंग लिस्ट रखा है। जो एग्जाम देके चला जाने वाला उसका वेटिंग लिस्ट जो रखा है 125 पोस्ट वेटिंग लिस्ट रख दिया 33 एग्जाम देने का जगह में। 33 एग्जाम हेल्ड कराया, वेटिंग लिस्ट रखा 125 वेटिंग लिस्ट रखा। फिर ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज बात है, लाइफ में, वर्ल्ड में शायद ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा। तो जितना भी वेटिंग लिस्ट रखा था, अभी मैं बताया है वेटिंग लिस्ट एग्जाम 33 हेल्थ कराया, इसका बाद तो वेटिंग लिस्ट रखा है 125 पोस्ट। वेटिंग लिस्ट जितना भी रखने वाला को
यह रिजल्ट फिर आ जाता है 26 अगस्त 2016 में। फिर एक रिजल्ट नोटिफिकेशन आता है कि ये लोग जो ये हो गया बोल के क्वालिफाई हो गया बोल के, नौकरी मिल गया बोल के ना, फिर जितना भी वेटिंग लिस्ट का लिस्ट है उन लोग जब पूरा रिजल्ट में पास हो गया बोल के आ गया 125 अबव का आदमी लोग। बात ये है तो ये ऐसे कैसे अपॉइंट कर सकता है, वो भी ये अपॉइंट किया डायरेक्ट अपॉइंट किया विदाउट एडवर्टाइजमेंट में, विदाउट एडवर्टाइजमेंट में अपॉइंट कर दिया। अगर डिपार्टमेंट चाहने से सच में इंटरव्यू कराना है बोलने से, डिपार्टमेंट चाहने से हमारा ऑफिस में हमारा डिपार्टमेंट में इतना इतना खाली पोस्ट हो गया, रिटायरमेंट इतना इतना चला गया बोलने से, अगर चाहने से इसका जैसे एडवर्टाइजमेंट निकलना चाहिए था न्यूज़पेपर में, जो भी टाइम्स में, ओरिएंटल टाइम्स, प्रॉन, जो भी कहीं में भी निकलना चाहिए था, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दी, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला। एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल के यहाँ में डायरेक्ट 125 एबव को विदाउट एडवर्टाइजमेंट में, विदाउट इंटरव्यू में इलीगल अपॉइंटमेंट कर दिया। कौन किया है बोलने से, वो समय में ER रातुतिची, ER, आई रिपीट, ER रातू तिची, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग, कैपिटल सर्कल कॉम, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एंड विजिलेंस, PWD, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये है, ये आदमी है, सुनने में आया सगाली साहित्य का, दम तो कभी देखा नहीं है, सगाली साहित्य का आपके सुना, हम कभी नहीं देखा है। बात जो ये है तो अभी आप लोग भी सोच के देखिए, अभी जो चल रहा है रिगार्डिंग अभी APPSC प्यास्को का, जो अभी पेपर सेलिंग जो चल रहा है, तो पेपर सेलिंग का हिसाब से अभी तक के जे रंग लोग कुछ छवि आने लगा के उन लोग का कहने का हिसाब से, तो पेपर एक पेपर को तो 40 लाख से सेलिंग क्या है बोल के सुना है, हम लोग सुनने में आ रहा है, सब पब्लिक जो जानता है। तो इसका जैसे अगर आप अगर इतना बिजी पर्सन है तो मीडिया में आके आप घर में भी बुला लीजिए ना, दुनिया भर हम लोग स्टेट में मीडिया कमी नहीं है, आप मीडिया बुलाइए, बुला के क्लेरिफिकेशन दीजिए, बताइए सच में अगर आप इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं किया बोले। और अभी भी आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपको अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप इलीगल सच में अगर इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं किया बोलने से, आप आइए मीडिया में, आए पब्लिक डोमेन में आए, और जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट किया है 125 एबव, आप लोग को भी हम चैलेंज करता है, आप लोग भी आए, या मैं शायद तय होगा DK कन्वेंशन हॉल में आपको, आप लोग को सबको, आप लोग को इनवाइट करता हूँ, DK कन्वेंशन हॉल में आइए, 1 वीक आप लोग को टाइम देता हूँ, अगर सच में अगर इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं किया बोलने से, उसमें पब्लिक के सामने में, मीडिया के सामने में जवाब दीजिए। अभी APPSC प्यास को जो चल रहा हो तो कुछ भी नहीं है, असली करप्शन तो यहाँ में हो रहा है, PWD डिपार्टमेंट, SC सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, PWD डिपार्टमेंट, ईटानगर, यहाँ में हो रहा है असली डिपार्टमेंट, असली करप्शन जो। इसलिए हम हमारा ऑनरेबल MLA CM पेमा कांतु सर जी, आपको मैं हाईली रिक्वेस्ट है कि आप CBI लगाइए, CBI लगाइए और अरेस्ट कीजिए, इसके ऊपर में क्रिमिनल केस लगाइए, और जितना भी इलीगल अपॉइंट हुआ 125 एबव का इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ उन सभी को प्लीज, हेमाकांत सर आपको मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जल्द से जल्द उसको टर्मिनेट कीजिए, इसके ऊपर में आप क्रिमिनल केस लगाइए और अरेस्ट कीजिए उन लोगों को। और मैं अभी जो APPSC प्यास्को जो अभी जो चल रहा है, अभी इसका तिचीपुरु एंड तदक नालो, तिचीपुरु एंड तदक नालो पन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमिटी, आप लोग को भी मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ, आपका APPSC प्यास्को तो कुछ भी नहीं है, उससे भी भयानक वाला यहाँ में हो रहा है, आप दोनों यहाँ में आइए, चर्चा कीजिए, बात कीजिए।
जितना जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ 125 एवं उन्नू का आदमी सुनने में आ रहा है कि हम लोग को मार देगा बोला है, मरा देगा बोला, आसमान मंचा देगा बोला। इसलिए मेरा जितना भी फैमिली रिलेटिव है, आप लोगों को भी मैं अभी मीडिया का जरिया बता के रख रहा है, अगर हमको और मेरा टीम को अगर कुछ भी होता है बोलने से रिस्पॉन्सिबल, आपका जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ 125 एबव, आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल लेना पड़े। अगर हमको कुछ भी होता है बोलने से और मेरा टीम को कुछ भी होता है बोलने से, रिस्पॉन्सिबल आप लोग का ऊपर में है। उसको आप लोग बताने वाला था, रिजल्ट भी दो आया है। कौन सा वाला? एक जो आया है 61 वाला ना, जी 61 वाला जो आया है 18/11/2016, यहाँ में 61 का रिजल्ट जो पास हो गया बोल के है यहाँ आता है। फिर वेटिंग लिस्ट वाला रिजल्ट जो है 26/8/2016, ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन? हाँ, इसलिए तो वो हम भी कंफ्यूज में है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये डिपार्टमेंट का फर्निश करने का हिसाब से। इसलिए तो यहाँ में तो किलर का दिखाई देता है, करप्शन है, उन लोग उल्टा पुलता बना कर दिया है। यहाँ नहीं कह रहा, इस पर उन लोग का फर्निश करने के हिसाब से ही यहाँ में जो हम बता रहा है। इसलिए यहाँ में गंडोगोल है, कुछ गड़बड़ है। जी 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 जी, उसको मैं बताऊंगा, अभी मैं बोलने ही वाला था। मैं बोला था कि एश्योर किया था कि नेक्स्ट ब्रीफिंग में हम जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है उसको एक एक नाम गिनने के लिए मैंने एश्योर किया था, लेकिन अभी हम चेक किया है, नाम हमको पूरा पूरी नहीं दिया है। दिया है लेकिन उल्टा पुलटा, जैसे कि अभी इसका जैसे उल्टा दे रहा है ना, उल्टा पुलटा जैसे दे रहा है, इसका जैसे अभी देख के रखा। मेरे पास लीज है लेकिन आप लोग को अभी बिना सबूत देखे अभी हम ऐसे नहीं जाएगा। अभी आप लोग को हम दे दिया है, आप लोग जितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आप लोग को अभी हम दिया है, इसका बाद आप लोग उसको अपलोड कर पब्लिक को दिखाइए। और आपका सवाल जो है जैसे कि कोर्ट में क्यों नहीं किया, पुलिस स्टेशन में FIR क्यों नहीं किया, हम करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि मेरा जान में भी खतरा है, हमको बहुत होर्डिंग आ रहा है और हमको डॉक्यूमेंट्स हमको कम्प्लीटली नहीं मिला है, अभी हम मांग के रखा हुआ है। वो भी डिपार्टमेंट लोग नोइंगली हमको ले दे रहा है, नोइंगली हमको इनकम्प्लीट फर्निश कर रहा है। इसलिए सबको हम सबमिट करने के बाद में या मैं और एक बार हत्ती को समझा के बोलता नाम गिनने या मैं आएगा, पूरा एक एक नाम गिन के हम यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद हम लॉ में जैसे टेकअप करना है उसमें हम इशू में उतरेगा।